हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। इससे पहले मैंने जो पहला पार्ट बनाया था उसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, वो आप जाकर के देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज हम सीखेंगे डीएनए के बारे में और मैं थोड़ा बहुत आपको आज क्रोमोसोम्स के बारे में भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो लिखी हुई है कि डीएनए दो भस्म जोड़ियों यानी कि बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 ए होता है। अब ये ए मतलब होता है आर्मस्ट्रांग। ठीक है, आर्मस्ट्रांग बस ये इकाई है दूरी की, एक सब बहुत छोटी सी इकाई है दूरी की। नेक्स्ट दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि वे जीन जो किसी सजीव को उसकी जनन अवस्था से पहले ही मार डालते हैं उन्हें प्राणहर जीन या लेथल जीन्स कहते हैं। कुछ जीन्स जो हैं या कुछ सजीव जो हैं वो जन्म लेने के पहले ही उनकी मौत हो जाती है। सजीव बोलने का मतलब क्या है, जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में ही तो ये क्रोमोसोम्स रहते हैं, डीएनए भी उसी का ही डीएनए का ही बना हुआ क्रोमोसोम रहता है। तो कभी कभी कोशिकाओं का जन्म जो है उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, तो उसको मारने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको प्राणहर जीन या फिर लेथल जीन्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना डीएनए। तो डीएनए की रचना, सबसे पहले डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, अच्छा, यह क्या है, यह एक नाभिकीय अम्ल है यानी न्यूक्लिक एसिड है जो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए का ही बना हुआ है और वो किसका बना होता है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीएनए के अंदर डीएनए जो बना होता है वो बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। अच्छा, यह अनुवांशिक पदार्थों और अनुवांशिक गुणों का वाहक है। एक डीएनए, डीएनए का मेन काम क्या है, अनुवांशिक जितनी सारी जेनेटिक मटेरियल्स है, अनुवांशिक पदार्थ हैं, उन सब को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाना और साथ साथ अनुवांशिक गुणों का जो वाहक है वो भी यही है। अनुवांशिक गुण मेनली कौन लेकर के जाता है, तो वो लेके जाता है जीन। इनके वजह से अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं और इन जीनों को कैरी करने का काम यानी लेकर के जाने का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो डीएनए का ही है। अब इसके एक अणु की रचना पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल से बनी अनेक इकाइयों से होती है। तो एक डीएनए का, डीएनए की रचना जो है उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है, तो उसमें मिला रहता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों का बना हुआ रहता है डीएनए। और डीएनए में ये तीनों बहुत मात्रा में या बहुत सारे होते हैं। इन इकाइयों को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक एक इकाई में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फोरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज रहता है। यहाँ जो पेंटोज शुगर है ये बहुत तरह के होते हैं जिनमें से एक टाइप इसका डीऑक्सीराइबोज है, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पड़ा है। तो पेंटोज शुगर जो डीएनए के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, तो डीऑक्सीराइबोज है। नाइट्रोजन बेस के रूप में प्यूरिन, ये जो नाइट्रोजन क्षार है उसके रूप में क्या रहता है, प्यूरिन और पेरिमिडिन होता है। नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या मौजूद रहता है, प्यूरिन और पेरिमिडिन। अच्छा, तो प्यूरिन में दो चीज़ें मौजूद रहती हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पेरिमिडिन में दो चीज़ें मौजूद रहती हैं, एक को साइटोसिन और एक को थायमिन कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे नाम हैं तो इनको, इन नामों को सीक्वेंस में आपको याद रखना है। कैसे, कि सबसे पहले तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये किनका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों का बना होता है, एक पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और एक फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों का बना होता है। अब पेंटोज शुगर डीएनए में पेंटोज शुगर का जो पार्ट है वो क्या है, तो वो डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज ये पेंटोज शुगर का पार्ट है। अब जो ये नाइट्रोजन बेस है, अब नाइट्रोजन बेस के दो हिस्से हैं, नाइट्रोजन बेस दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, एक को कहते हैं प्यूरिन, ये प्यूरिन और एक को कहते हैं पेरिमिडिन।
नाइट्रोजन बेस दो हिस्सों में बटा रहता है, प्यूरीन और पेरिमिडीन। अच्छा, अब आगे ये जो प्यूरीन है ये दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, एक को कहते हैं एडेनिन और एक को कहते हैं गुआनिन। और ये जो पेरिमिडीन है ये दो हिस्सों में बटा रहता है, एक को कहते हैं साइटोसिन और एक को कहते हैं थायमिन। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बटी हुई रहती हैं। अच्छा, इनमें दो समानांतर तंतु यानी फिलामेंट होते हैं जो कॉमन एक्सिस के चारों तरफ बैठे हुए रहते हैं। प्रत्येक तंतु में अनेक न्यूक्लियोटाइड एक क्रम से सजे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऐठा हुआ इस तरह से गोल सा किया हुआ है पूरा का पूरा। अब ये क्या है, तो एक एक्सिस के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे ही करके ये पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, ये है इसका एक्सिस जिसके चारों तरफ ये सब लपेटे हुए। अब ये जो लपेटी हुई चीज़ें हैं इनको जोड़ के रखा हुआ है, ये सारी जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये दोनों अलग करके यहाँ पे दिखाए, ये दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, इन्हीं दोनों को एक साथ में न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो इन तीनों का बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, अब ये दोनों ही तंतु हैं जो इस फिलामेंट को, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये सारे फिलामेंट्स हैं इनको जोड़ के रखा हुआ है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब बारी आती है वॉटसन और क्रिक की। वॉटसन और क्रिक ये जो हैं ये कौन है, ये तो ये दो साइंटिस्ट हैं। ये दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए की रचना या डीएनए का मॉडल सबसे पहले तैयार किया था। तो इनके हिसाब से डीएनए कैसा दिखता है, तो एक एक करके देखिए। तो डीएनए में दो समानांतर हेलिक्स होते हैं जो एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ स्पिरल या सर्पिल रूप में, स्पाइरल रूप में घूमी हुई रहती है। जैसे ये रहा इसका एक्सिस जैसे मैंने बताया अभी, और इसी के चारों तरफ सांप की तरह ये लपेट करके मतलब घुमा हुआ है। खैर ये एक्सिस नहीं दिखता, बस हमें क्या दिखता है, बस हमें ये चीज़ें दिखती हैं। हाँ ओके, अच्छा नेक्स्ट है, प्रत्येक हेलिक्स की रचना न्यूक्लियोटाइड से हुई है। ठीक, ये एक बार जो ये घुमा ये किसके किस्सा बना हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। फिर दोनों हेलिक्स के नाइट्रोजन बेस आमने सामने स्थित रहते हैं जो बाहर की ओर राइबोज से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो दोनों बेस हैं, ये जो दोनों हेलिक्स हैं ये क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन बेस से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, और ये दोनों ही बाहर की तरफ किससे घिरे हुए रहते हैं, तो राइबोज शुगर से घिरे हुए रहते हैं। कि ये दोनों राइबोज हैं और ये सब नाइट्रोजन बेस है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या है, एक का प्यूरीन बेस दूसरे के पेरिमिडीन के साथ युग्मित रहता है। तो ये रहा प्यूरीन और ये रहा पेरिमिडीन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर भी जैसे ये प्यूरीन ये पेरिमिडीन, ये प्यूरीन ये पेरिमिडीन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये प्यूरीन ये पेरिमिडीन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ओके ठीक है, अच्छा होप समझ आ रहा होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दो विपरीत हेलिक्स के एडेनिन, दो विपरीत हेलिक्स में एडेनिन थायमिन के साथ और दो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहता है, थायमिन के साथ। ठीक है, ये कौन है, ये प्यूरीन है, ये पेरिमिडीन है। तो प्यूरीन में एडेनिन है एक, और एक क्या होता है, एक गुआनिन होता है। पेरिमिडीन में क्या होता है, एक थायमिन होता है, एक साइटोसिन होता है। तो देखिए एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, थायमिन के साथ या थायनिन के साथ, और गुआनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, साइटोसिन के साथ। ठीक है, अच्छा एडेनिन थायमिन के साथ यहाँ पे देखिए दो लाइंस दिख रही हैं, कहीं पे तीन लाइंस दिख रही हैं। तो दो लाइन ये डॉटेड लाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं, डॉटेड लाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। और यहाँ पे कितने सारे हैं, इसमें दो डॉटेड लाइन है, यानी कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन थायमिन जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे तीन लाइंस दिख रही हैं, तो यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे करते हैं। देखिए गुणसूत्र के अब प्रकार, ठीक है यहाँ तक हमने डीएनए के बारे में जान लिया। तो डीएनए की रचना क्या होती है, डीएनए किस तरह का बना हुआ रहता है, डीएनए में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये मैंने डिटेल में बता दिया अब आपको। अब हम बढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में।
गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में। तो मनुष्य के शरीर में, इंसानी हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा, तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक को कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक को कहते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसको एलोसोम क्रोमोसोम भी कहते हैं, एक ऑटोसोम क्रोमोसोम एक एलोसोम क्रोमोसोम, ठीक। अब देखिए ऑटोसोम क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में, इंसानी शरीर में आप जानते हैं कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन 23 जोड़ों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक में 22 होते हैं और एक में एक पेयर होता है जोड़ा, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने जोड़े हैं, यानी कि टोटल 46 हो गए, तो 46 में एक में 44 होता है और एक में दो होते हैं। तो ये जो 22 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, यही है ऑटोसोम क्रोमोसोम। अब क्या कहा जा रहा है कि वे क्रोमोसोम जो किसी जीव के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और ये मनुष्य में 22 जोड़े होते हैं। दैहिक लक्षण यानी कि हमारे शरीर की रचना कैसे होगी, हमारे आँख कान बाल मुंह नाक किडनी विडनी सब कुछ कैसे होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिसाइड कौन करता है, तो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स करते हैं। हमारी हमारी सोचने की शक्ति, हमारा दिमाग, हमारी बोलचाल, हमारी आवाज़, हमारी बाकी सारी चीज़ें वो सब डिसाइड करने का काम ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का है। और बचा जो एक पेयर, वो क्या करता है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो वे क्रोमोसोम जो किसी जीव में लिंग निर्धारण का काम करते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि जो है, जो भी शरीर है वो मादा है या नर है, बस ये क्या काम करता है, तो लिंग निर्धारण का, मतलब आप फीमेल हो या मेल हो उसके लिए सेक्स क्रोमोसोम जो है वो काम करता है, बस वही डिसाइड करता है कि आप लड़का होगे या लड़की होगे। अब मादा में यानी लड़कियों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एक्स और एक्स से डिनोट किया जाता है, और वहीं नर में एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फीमेल है और ये मेल है। आगे बढ़ते हैं, देखो गुणसूत्र की संख्या। अब प्रत्येक सजीव में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे इंसान है तो इंसानों में 23 जोड़े होते हैं, वैसे ही बाकी सारे जीव जंतु जितनी सारी जिंदा सजीव चीज़ें हैं उन सब में, चाहे पेड़ पौधों को ले लो, चाहे कीड़े मकोड़ों को ले लो, चाहे इंसान जानवर हाथी बैल कुत्ता सब में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं में कुल 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र जो है होता है, क्लियर। 22 जोड़े ऑटोसोम द्वारा शरीर के विभिन्न लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, जबकि एक जोड़े लिंग गुणसूत्र जो है वो पुरुष यानी नर या स्त्री या मादा लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अतः पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र एवं स्त्री में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र जो है वो होता है। इस प्रकार पुरुषों में कुल मिलाकर के 22 जोड़े, ये कौन है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, और ये एक्स वाई यानी एक जोड़ा एलोसोम क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, ये पुरुषों में। वहीं स्त्रियों में कुल 22 जोड़े ऑटोसोम क्रोमोसोम्स और एक्स एक्स यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स में मौजूद रहता है, ओके। अब आगे मनुष्य के जननांगों की जनन कोशिकाओं में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि कई तरह के कोशिका विभाजन जो है वो होते हैं, जिनमें से मियोसिस जो है वो एक प्रकार है। तीन तरह के कोशिका विभाजन होते हैं, माइटोसिस, अमाइटोसिस और मियोसिस, जिसमें से मियोसिस जो है वो किस तरह का है, अर्धसूत्री विभाजन है। जैसे पहले वीडियो में मैंने क्या कहा था कि एक कोशिका जो है विभाजित होकर के दो छोटी कोशिकाओं में बनती है, पहली जो कोशिका टूटने वाली उसको मातृ कोशिका और टूट करके जो बन गया उसको पुत्री कोशिका कहते हैं। कभी कभी ये कोशिकाएँ जो है टूट करके दो नहीं होकर के चार बनते हैं, इसको अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है या मियोसिस कहा जाता है। ये मातृ कोशिका और ये चारों पुत्री कोशिकाएं। अब जननांगों की जनन कोशिकाओं में इसी टाइप की यानी मियोसिस कोशिका विभाजन जो है होती है, जिसके फलस्वरूप नर अथवा मादा गैमेट्स उत्पन्न होते हैं। इस कोशिका विभाजन के समय में नर और मादा गैमेट्स उत्पन्न होते हैं। नर अथवा मादा गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका या मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन जो मैं ऊपर वाला बता रहा हूँ इसमें क्या है, अगर यहाँ पे 23 पेयर्स हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स आएंगे, इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स आएंगे,
ठीक। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, अगर मैं टोटल नंबर ले लूँ तो कितना है, 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम अगर इसमें है तो इसमें 46 नहीं आएगा, कितना आएगा तो 23 करके इसमें हर एक में बनेगा। देखिए आधा हो गया, 46 था एक कोशिका में, यहाँ पे आधा हो जाता है। तो इसी लिए ये जो लाइन है वो ज़रूरी है हमारे लिए, क्या कि नर मादा गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। अतः इस अवस्था में अगुणित संख्या यानी कि हैप्लॉयड कहते हैं, अच्छा इस अवस्था को हैप्लॉयड कहते हैं, जब गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में आधी हो जाए, ऐसी स्थिति को हम अगुणित या हैप्लॉयड कहते हैं। अर्थात गैमेट्स हमेशा अगुणित संख्या जिसको एन से डिनोट कर रहे हैं या हैप्लॉयड होते हैं। नर गैमेट में 22 और एक्स, ठीक है ये जोड़ा नहीं है, टोटल नंबर है 22 और एक्स यानी 23 हो गए टोटल। यहाँ पे नर की बात की जा रही है, एक ये बनता है और एक 23 यहाँ पे बनता है। वाई और एक्स अलग अलग होते हैं, वही मादा गैमेट में ये 22 और एक्स और एक 22 प्लस एक्स, ठीक है 23 हो गया टोटल। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों सेम है इसीलिए एक ही लिख करके चला दिया आपकी किताब में। ओके चलिए, तो मादा गैमेट्स में कितने रहते हैं, 22 और एक्स, ये गुणसूत्र के फॉर्म में आधे आधे पाए जाते हैं। कब, जब कोशिका विभाजन हैप्लॉयड हो। ओके अब आगे, वो तो हमने हैप्लॉयड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विगुणित संख्या यानी डिप्लॉयड। हैप्लॉयड में कितना था, हैप्लॉयड में आधा हो जाता था यानी कि 46 का 23 हो जाता था। डिप्लॉयड में क्या होता है, डिप्लॉयड में कुल जितना रहता है 46 का, कोशिका विभाजन के बाद भी 46 ही मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य की शारीरिक कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की कुल संख्या 22 जोड़े प्लस एक्स एक्स और 22 जोड़े प्लस वाई वाई सॉरी एक्स वाई या 46 गुणसूत्र वाली अवस्था को द्विगुणित संख्या या डिप्लॉयड कहा जाता है, जिसमें कुल हो, कुल 23 जोड़े जो क्रोमोसोम्स है वो मौजूद रहते हैं, उसी को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। अब आकार पे आते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में हमने जाना, क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है। ओके अब क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है, क्रोमोसोम कुल मिलाकर के चार तरह के आकारों में पाया जाता है। अब ये चार तरह के आकार जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, अब बोलोगे कि सारे क्रोमोसोम्स तो डीएनए का ही बना हुआ रहता है, गुथे हुए रहते हैं, तो ये चार तरह के आकार के कैसे हो सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से इसका आकार जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, बस एक छोटी सी चीज़ की वजह से, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो क्रोमोसोम का आकार विभिन्न प्रकार का होता है और सेंट्रोमियर की उपस्थिति के अनुसार क्रोमोसोम का आकार अलग अलग तरह का होता है। सेंट्रोमियर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में पाया जाता है, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, ठीक है, सेंट्रोसोम कहते हैं जिसको, आएगा ये भी, सेंट्रोसोम भी कोशिका विभाजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम अलग चीज़ है, सेंट्रोमियर अलग चीज़ है, ठीक। तो यहाँ क्रोमोसोम में क्या मिलता है, सेंट्रोमियर मिलता है। अब इसकी उपस्थिति के हिसाब से चार हिस्सों में बांट रहे हैं, सबसे पहले टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे पर स्थित रहता है, जिसके कारण इसका आकार रॉड जैसा होता है। जैसे मान लो कि अगर क्रोमोसोम इस तरह का है तो सेंट्रोमियर जो है वो या तो यहाँ पर मौजूद है या तो यहाँ पर मौजूद है, इसी की वजह से, अच्छा कलर चेंज कर लेते ना, यहाँ पे मौजूद है या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम का आकार है वो कैसा है, एक रॉड के आकार का है। क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर की स्थिति इसमें किसी एक सिरे पर होती है, टेलोसेंट्रिक कहते हैं। अच्छा एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर का स्थिति है वो सिरे के कुछ नीचे स्थित रहता है, जिससे इसका आकार भी कुछ कुछ छड़ की तरह ही होता है। अब वो कैसा है तो देखो, ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, अच्छा, और कुछ यहाँ पर सेंट्रोमियर अगर मौजूद है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये भी कैसा है, तो एक ये छड़ के आकार का है, रॉड के आकार का है, इसको क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। एकदम सिरे पे हो तो टेलोसेंट्रिक, और एकदम सिरे के बहुत पास हो लेकिन सिरे पर ना हो तो एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। इसके बाद और दो स्थितियाँ हैं, वो कौन सी है,
तो एक को कहते हैं अब सबसेंट्रिक। सबसेंट्रिक में क्या होता है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो मध्य से थोड़ा सा दूर स्थित रहता है, जिससे कि क्रोमोसोम का आकार जे के आकार में होता है। देखो जैसे यहाँ पर ये बनाया और ये ना थोड़ा सा अगर मुड़ जाए, ठीक है, और हमारा जो सेंट्रोमियर हो वो यहाँ पर हो, ठीक, और इसी से ही अगर दूसरा एक क्रोमोसोम जो है वो जुड़ा रहे तो ये किस आकार में है, तो ये कुछ कुछ जे के आकार की स्थिति में मौजूद है। तो इसीलिए मतलब सेंटर पे नहीं होता लेकिन सेंटर के मध्य के बहुत करीब होता है, ठीक है, ऐसे को हम लोग सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक किसको कहते हैं, तो बचा क्या, एकदम बीच में जहाँ पर भी क्रोमोसोम की क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मध्य में स्थित हो तो उसको हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। अब मेटासेंट्रिक में ये क्या होता है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है और यहाँ से एक और क्रोमोसोम जो है वो गुजर रहा हो, मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं और सेंट्रोमियर कहाँ है, एकदम पूरा बीच में है। तो देखिए ऊपर में भी एक भी के आकार का बन रहा है, नीचे भी मतलब भी आकार का बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, बस आज के लिए तो बस मैं इतना ही कराऊंगा। ओके, अब बाकी का सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। रिवीजन करते हैं एक बार में कि हमने अभी क्या सीखा। हमने सीखा कि डीएनए के बेस पेयर जो हैं वो कितने दूर पे रहते हैं, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर मौजूद रहते हैं। प्राणहर जीन किसको कहते हैं, जो कोशिका को जन्म लेने से पहले ही मार दे उसको प्राणहर जीन या लेथल जीन्स कहा जाता है। इसके बाद हमने डीएनए की रचना पढ़ी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो है वो अनुवांशिक गुणों को लेकर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है और अनुवांशिक पदार्थों को भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर के जाता है। डीएनए पेंटोज शुगर नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ रहता है और इन तीनों को मिला करके एक साथ हम इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है वो क्या रहता है, डीऑक्सीराइबोज रहता है। नाइट्रोजन बेस दो रहते हैं, एक को प्यूरीन और एक को पेरिमिडिन कहते हैं। प्यूरीन दो हिस्सों में बटा रहता है, एक को एडेनिन गुआनिन, और पेरिमिडिन दो हिस्सों में बटा रहता है जिसमें से एक को साइटोसिन और एक को थायमिन कहते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा क्या कि वॉटसन और क्रिक के बारे में हमने पढ़ा। वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले 1953 में एक डीएनए का मॉडल तैयार करके दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो हेलिकल शेप में होता है, यानी कि सर्पिल रूप में घूमे हुए ऐंठे हुए एक केमिकल है, एक चीज़ है। अच्छा, इस हेलिक्स की रचना कुछ न्यूक्लियोटाइड से हुई है जिसमें मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस और जो है वो एक एसिड है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है, चाहो तो वीडियो बैक करके देख सकते हो। चलो एक सवाल तो पूछ ही सकते हैं इतना पढ़ा देने के बाद। अच्छा ओके, दोनों हेलिक्स में नाइट्रोजन बेस मौजूद रहता है जो राइबोज शुगर से जुड़ा हुआ रहता है। राइबोज शुगर यहाँ पे है, दोनों शुगर और नाइट्रोजन बेस यहाँ पे मौजूद हैं, एडेनिन थायमिन गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, मतलब एक प्यूरिन एक पेरिमिडिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ओके अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को ऑटोसोम कहते हैं और एक को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कुल 22 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में जो शरीर के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ लिंग निर्धारण करते हैं कि आप लड़का होगे या लड़की होगे, ठीक है। मादा में इन क्रोमोसोम्स को XX से डिनोट किया जाता है और वहीं नर में XY से डिनोट करते हैं। आगे हमने पढ़ा गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं, जिनमें 22 जोड़े ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हैप्लॉइड के बारे में पढ़ा कि हैप्लॉइड कैसे होते हैं। तो अगर मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में जब विभाजित होती है कोशिका, तो पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या अगर आधी हो मातृ कोशिका से तो उस स्थिति को हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिप्लॉइड पढ़ा। डिप्लॉइड क्या होता है, तो डिप्लॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें मातृ कोशिका से पुत्र कोशिका में विभाजित होने के बाद क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है जितनी मातृ कोशिका में थी, मतलब बराबर रहती है। 23 जोड़ा यहाँ पे भी है मातृ कोशिका में, 23 जोड़ी
पुत्री कोशिका में भी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्रोमोसोम के शेप के बारे में पढ़ा, चार तरह के होते हैं। टीलोसेंट्रिक में कहाँ पे होता है, तो सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमोसोम के आकार में अंतर हमें दिखाई देता है सेंट्रोमियर की, और सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। टीलोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर की स्थिति जो है वो एकदम सिरे पर होती है। एक्रोसेंट्रिक, सिरे पर नहीं, सिरे से बहुत पास होती है लेकिन सिरे पर नहीं होती है, तो इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। इसके बाद हमने और दो पढ़े, एक सब मेटासेंट्रिक और एक मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो मध्य से थोड़ी सी दूरी पर होता है, बीच में नहीं होता, थोड़ा सा दूर होता है। और वहीं मेटासेंट्रिक में कहाँ होता है, तो एकदम पूरा बीच में रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा समरी लास्ट में दे दिया, मैंने क्या क्या पढ़ाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, बाकी के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे लाइफ साइंस के, फिजिकल साइंस के मैं तैयार कर रहा हूँ, उसके भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। इंग्लिश पे काम चल रहा है, मैथ्स के वीडियोज़ लगातार अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो आप पढ़ाई अच्छे से करिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।